हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चीज इन द ट्रैप नाम का के ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये स्टोरी है होंगसुल और योजंग के बारे में। होंगसुल ने पढ़ाई में एक साल का ब्रेक लिया था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले पाए। एक साल यहाँ वहाँ सर्विस करने के बाद वो स्कूल ज्वाइन करती है। उसके दो बेस्ट फ्रेंड जंग बोरा और उनटाक थे। वहाँ उनका एक सीनियर सांगचुल था जो सबको परेशान करता रहता था। आज होंगसुल उसकी नज़र में आ गई थी। वो एक डिश में सोजू यानी अल्कोहल मिला के वो डिश होंगसुल को ज़बरदस्ती खिलाता है, पर वो खा नहीं पाती है और सब थूक देती है। इस वक्त योजंग वहाँ आता है। वो ये सब देखता है और उस सीनियर के साथ बैठ जाता है। योजंग रिच फैमिली से बिलोंग करता था और आर्मी की ड्यूटी पूरी करने के बाद फिर से उसने स्कूल ज्वाइन की थी। जेयोन नाम की लड़की हमेशा योजंग के पीछे ही पड़ी रहती थी उसकी अटेंशन पाने। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है पर योजंग नहीं पीना चाहता था। इस हाथापाई में सारा ड्रिंक जेयोन पे गिर जाता है। होंगसुल ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि योजंग ने ड्रिंक जानबूझकर गिराया है। उसकी अजीब स्माइल देखकर तो होंगसुल का शक यकीन में ही बदल जाता है। योजंग भी उसी को देख रहा था। वॉशरूम में से बाहर आकर वो देखती है कि सीनियर सांगचुल कुछ पैसे गिन रहे थे जो उसने बाकी स्टूडेंट से लिए थे। वो पैसे पार्टी के लिए थे पर वो पैसे खुद रखने वाला था और पार्टी का भी योजंग से पे करवाने वाला था। ये सब होंगसुल सुन लेती है। नीचे जाकर देखती है तो योजंग भी वहीं था। उसने भी ये सब सुन लिया था। दूसरे दिन सांगचुल आके उस पर गुस्सा होता है कि तुमने कॉलेज के बोर्ड पर लिख दिया कि मैंने फंड में से पैसे चुराए हैं जो पार्टी के थे। होंगसुल ने ये नहीं किया था। वो मना भी करती है पर सांगचुल मानता नहीं है और कहता है, जब मैं पैसे गिन रहा था तब तुम वहीं थी। तुम्हारे सिवा किसी को इस बारे में पता नहीं है तो ये और कौन करेगा। अब होंगसुल कहती है, मेरे सिवा कोई और भी वहाँ था। तभी योजंग आता है और फिर से वैसी अजीब सी स्माइल करता है। वो सांगचुल को शांत कराता है। सांगचुल के जाने के बाद योजंग होंगसुल से कहता है, तुमने जो किया वो गलत नहीं था। होंगसुल कहती है, उस वक्त वहाँ तुम भी थे, तुमने भी सब सुना था, ये मैंने नहीं किया है। वो इनडायरेक्टली योजंग से कहती है कि इन सब के पीछे तुम ही हो। पर जेयोन कहती है, इसने तो सांगचुल को आज छुड़वाया है पैसे देकर। अगर ये इसने ही किया होता तो वो उसकी हेल्प ना करता। ये सुनकर होंगसुल कुछ नहीं बोल पाती है। लगता है योजंग में दोगलापन है। पहले तो वो किसी का बुरा करता है और फिर उसी की हेल्प करता है। ये होंगसुल सोचती है, शायद ये सच भी हो सकता है और झूठ भी, क्योंकि योजंग में कुछ ऐसा था जो सिर्फ वो ही देख पा रही थी। फिर जब वो कॉफी शॉप में मिलते हैं तो योजंग उसे बुलाता ही नहीं है और इग्नोर करता है। पर बाहर जेयोन के सामने वो होंगसुल को बुलाता है और अपनी कॉफी भी दे देता है। होंगसुल तो समझ ही नहीं पाती है कि ये कैसा इंसान है। जंग बोरा होंगसुल को ट्यूशंस के लिए पैसे देती है पर होंगसुल वो नहीं लेना चाहती थी। फिर दोनों को पता चलता है कि होंगसुल को ट्यूशंस के लिए स्कॉलरशिप मिली है। वो बहुत खुश हो जाती है। इस स्कूल में प्रोफेसर हान बहुत फेमस थे। सबको वो बहुत अच्छे लगते थे पर सारे स्टूडेंट उनकी क्लास में नहीं पढ़ सकते थे। उसके लिए स्टूडेंट को अपनी आईडी में से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। जो पहले रजिस्ट्रेशन करते थे उनको प्रोफेसर हान की क्लास मिल जाती थी। होंगसुल ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तीनों को प्रोफेसर हान की क्लास मिल गई थी। तीनों बहुत खुश थे। उनको पता चलता है कि होंगसुल को स्कॉलरशिप योजंग के कारण ही मिली थी। स्कॉलरशिप तो योजंग को ही मिलने वाली थी पर उसने वो गिव अप कर दी और स्कॉलरशिप होंगसुल को मिल गई। ये बात होंगसुल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। लाइब्रेरी में रखे कंप्यूटर में वो अपने आईडी पासवर्ड डाल के क्लासेस की टाइमिंग देख रही थी। तभी योजंग आके उसके साथ में लंच लेने को कहता है। ये सुनकर तो होंगसुल चौंक ही जाती है। मैं लंच नहीं करती ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी आईडी लॉगआउट करना भूल गई थी। योजंग उसकी क्लासेस के शेड्यूल देख लेता है। अपने फ्रेंड को वो कहती है कि योजंग ने मुझे लंच के लिए कहा पर मैं भाग आई।
जंक बोरा कहती है, एक तुम ही हो जिसे योजंग पसंद नहीं है, बाकी सब लड़कियां तो उनके पीछे पड़ी रहती हैं। योजंग होनसुल को ही देख रहा था और अजीब सी स्माइल भी करता है। प्रोफेसर हान की क्लास शुरू हो गई थी पर अटेंडेंस में होनसुल का नाम नहीं आता है। फिर ऑफिस में से उसे पता चलता है कि उसके शेड्यूल में से प्रोफेसर हान की क्लास को डिलीट कर दिया गया था, पर उसने तो ये नहीं किया था, मतलब किसी और ने ये जानबूझकर किया था। फिर होनसुल जिस क्लास में थी, योजंग भी वही क्लास अटेंड करता है। उसे देखकर होनसुल को याद आता है कि लाइब्रेरी में वो अपनी आईडी लॉगआउट करना भूल गई थी। योजंग भी वही था, उसे योजंग पे ही शक होता है। क्लासेस पूरी होने के बाद योजंग फिर से होनसुल को अप्रोच करता है डिनर के लिए, पर वो मना कर देती है। वो उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ? होनसुल कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे अभी प्रोफेसर हान के पास जाना है क्लासेस के लिए बात करने। योजंग उसे पूछता है, तुम्हें इस बारे में किस पे शक है? वो कहती है, वो जो भी है मैं उसे पकड़ कर रहूँगी। फिर वो प्रोफेसर हान के पास जाती है और सब बताती है, पर इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो उनसे बात कर रही थी तभी वहाँ कांग नाम की प्रोफेसर आती है। वो होनसुल को उसकी क्लास लेने को कहती है और खुद की ही तारीफ करने लगती है, पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। स्टूडेंट उसे विच कांग के नाम से बुलाते थे। प्रोफेसर हान भी होनसुल को प्रोफेसर कांग की क्लास लेने को कहते हैं। बेचारी होनसुल, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। होनसुल जिस कैफे में काम करती है, योजंग वहाँ भी पहुँच जाता है। होनसुल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चाहता क्या है। प्रोफेसर कांग की क्लास के पहले ही दिन वो लेट हो जाती है और उसे डांट भी पड़ती है। उस क्लास में एक लड़की उसे मिलती है। वो उसे कहती है कि मैंने उस दिन लाइब्रेरी में योजंग को देखा था, तुम्हारे जाने के बाद वो कंप्यूटर के पास था। होनसुल ये बात अपने फ्रेंड्स को कहती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाती है तभी योजंग आता है और उसे पूछता है, तुम्हें सच में मुझ पर शक है? वो उसे 6 बजे मिलने को कहता है कि हम साथ में सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। वो उसके लिए ड्रिंक भी ले आया था। हम देखते हैं कि योजंग अकेले ही सीसीटीवी रूम में जाता है। होनसुल और उसके फ्रेंड्स योजंग का वेट कर रहे थे पर वो आता ही नहीं है। फिर वो तीनों सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज चेक करते हैं। उनको फुटेज में योजंग कंप्यूटर के पास खड़ा दिखता है पर वो कुछ करता नहीं है। तभी रूम में सीसीटीवी ऑपरेटर आ जाता है और तीनों को वहां से जाना पड़ता है। पर योजंग का इसमें हाथ नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई थी। हम देखते हैं कि योजंग सांगचोल से मिलता है और उसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, लाइब्रेरी में तुम भी थे। सांगचोल भी सब कन्फेस कर देता है, उसी ने ही होनसुल के शेड्यूल में से प्रोफेसर हान की क्लास डिलीट की थी क्योंकि उससे भी वो क्लास ज्वाइन करनी थी। वो ये क्लास लेने के लिए बहुत ही डेस्पेरेट था, इसीलिए उसने ये सब किया, पर फिर भी उसे वो क्लास नहीं मिली। वो योजंग से माफ़ी मांगता है और किसी को ये बात ना कहने की रिक्वेस्ट भी करता है। योजंग कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम थे, सीसीटीवी में कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने सिर्फ तुमको देखा था, तुमने वहाँ क्या किया वो तो मुझे पता ही नहीं था। ये सुनकर तो सोंगचोल कुछ कहने की हालत में ही नहीं था, वो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया था। घर जाते वक्त होनसुल को योजंग मिलता है। वो उसे पूछता है, तुम्हें अभी मुझ पर शक है? होनसुल भी उल्टा पूछती है, तुम आए क्यों नहीं? वो उसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी कि तुमने मेरे लिए अपनी स्कॉलरशिप क्यों जाने दी, मैं जो क्लास लेती हूँ तुम वही क्लास क्यों लेते हो? पर वो उसे कुछ नहीं पूछ पाती है। वो उसे सॉरी बोलती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। योजंग उसे अपने साथ डिनर लेने को कहता है पर वो मना कर देती है कि मैं डिनर नहीं करती हूँ और चली जाती है। फिर हम एक भाई बहन को देखते हैं। बेक इन्हा अपने घर में नहीं रहती थी, उसने स्कूल भी छोड़ दी थी, तो उसका भाई बेक इन्हो भी घर छोड़कर चला गया था और आज उसने अपनी बहन को ढूंढ लिया था। दोनों लड़ते हैं। बेक इन्हो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी बहन पूछती है, तुम योजंग से मिले? दोनों योजंग को जानते थे। बेक इन्हा कहती है, योजंग बहुत बदल गया है। वो उसे कॉल भी करती है पर वो उसका कॉल उठाता नहीं है।
फिर बेक इन्हा योजन को मैसेज करती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, बेक इन्हो आया है, हमें पहले की तरह मिलना चाहिए। और योजंग मैसेज डिलीट कर देता है। बेक इन्हो और योजंग में पहले अच्छी बॉन्डिंग थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते थे। दूसरे दिन प्रोफेसर कांग की क्लास में योजंग भी आता है। अब से वो भी प्रोफेसर कांग की क्लास में पढ़ने वाला था। वो होंगसुल के बाजू में आके बैठ जाता है। होंगसुल तो इरिटेट ही हो जाती है कि आखिर ये लड़का मुझसे चाहता क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।